Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अपना मुल्क छोड़कर भारत तो आ गई हैं और यहां वो एक सेफ हाउस में हैं, लेकिन इसके आगे क्या, उनका फ्यूचर प्लान क्या है? कई देशों से वो शरण लेने को बात कर रही थी, इसमें ब्रिटेन पहले नंबर पर था, लेकिन ब्रिटेन से मामला फंस गया। फिर नाम सामने आया फिनलैंड का, लेकिन अब फिनलैंड की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो काफी हैरान करने वाली है। फिनलैंड का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है। फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उनके यूरोपीय देश जाने का दावा किया जा रहा था। शेख हसीना के शरण के लिए फिनलैंड को एक विकल्प के रूप में माना गया, लेकिन यहां मंत्रालय ने यह साफ किया है कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। शेख हसीना इस वक्त भारत में है, वो एयरफोर्स के एक सेफ हाउस में है। उनकी सुरक्षा में एनएसजी और गरुड़ कमांडो लगाए गए हैं और इसके आगे हसीना जहां जाएंगे वहां भारत उन्हें सुरक्षित तरीके से पहुंचाएगा। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और हसीना को अचानक भारत आना पड़ा, उसके बाद वो शरण लेने को किस देश की तरफ रुख करती हैं, ये अभी भी असमंजस की स्थिति है। ऐसे में शेख हसीना के बेटे ने इंडिया टुडे ग्रुप से बातचीत के दौरान एक और सनसनीखेज दावा किया। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने ये बताया कि वो किसी भी देश में शरण लेने नहीं जा रही हैं। उन्होंने इससे इनकार किया। उनका कहना है कि ऐसे किसी भी देश को उनकी मां ने अप्रोच नहीं किया है। उनका कहना है कि शेख हसीना का परिवार कई देशों में रहता है, ऐसे में वो जहां जाना चाहती हैं, अपने पोतों पोतियों से मिलना चाहती हैं, उस देश में जा सकती हैं। उनके बेटे ने शरण मांगने वाली खबरों को अफवाह करार दिया है। इस तरह की स्थिति के बीच एक बात साफ है कि शेख हसीना भारत में कितने दिन रहने वाली हैं, इसकी कोई जानकारी अभी साफ तौर पर सामने नहीं आई है। शेख हसीना के भारत से किसी और देश के शरण में जाने को लेकर जो लगातार बातचीत हो रही थी, उसमें कहा यह गया कि ब्रिटेन में उन्होंने शरण के लिए अप्लाई किया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में भारतीय मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि शेख हसीना सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात का भी विकल्प मान रही है, जहां वो शरण लेने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति परिस्थिति है, उसमें एक बात साफ समझ में आ रहा है कि वो किस देश में शरण लेंगी, इस पर अभी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। वहीं दावा ये भी है कि अमेरिका ने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका के तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कई और देशों का विकल्प अभी भी खुला हुआ है, जिसमें रूस भी शामिल है, लेकिन देखना यह होगा कि शेख हसीना किस देश का रुख करती हैं। फिलहाल वो कितने दिन के लिए भारत में रहेंगी, इसकी भी अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं आ पाई है। और शेख हसीना इस वक्त जिस सेफ हाउस में हैं, वहां से वो लगातार भारत के अधिकारियों से भी संपर्क में बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।